हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए फिर से मैं बताने वाला हूं कैसे हम ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। उसमें हम लोग कैसे हम पता करते हैं कि मैंने कितना प्रिंसिपल दिया था और कितना इंटरेस्ट दिया था। जैसे मैंने क्या पिछले क्लास में क्या बताया आप लोग को, मैंने पिछले क्लास में यही बताया है कि आपने कोई लोन पे गाड़ी लिया या शिक्षा के लिए लोन लिया, मतलब कोई लोन लिया और उसका इंटरेस्ट निकालना है, तो हम लोग किस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं या पीएमटी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या किया था, ईएमआई निकालना सिखाया था आपको। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे ईएमआई निकाला है, कितना आया है, तो 3,937 रुपया और 27 पैसा हमारा टोटल आया है। अब आइए देखिए, यहाँ पे मंथ दिखा रहा है। अब क्या निकालने वाला हूँ, तो यहाँ पे दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना बताने वाला हूँ, पीपीएमटी और आईपीएमटी। चलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा पी और यहाँ पे फिर से मैंने क्या किया, एंड कर दिया और यहाँ पे स्पेस कर दे रहा हूँ और मैं हेडिंग बना दे रहा हूँ आईपीएमटी। मतलब किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखेंगे, हाउ टू यूज ऑफ पीपीएमटी एंड आईपीएमटी फंक्शन। क्या होता है, मतलब पीपीएमटी पर मंथ इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल हम कितना दे रहे हैं, आईपीएमटी पर मंथ इंस्टॉलमेंट हम इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, यह मुझे निकालना है, फाइंड करना है। उस कंडीशन में हम पीपीएमटी और आईपीएमटी फंक्शन का प्रयोग करते हैं। प्रिंसिपल निकालना हो तो पीपीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और इंटरेस्ट निकालना हो तो आईपीएमटी फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब मैंने हेडिंग बनाया है मंथ, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट। मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पे टोटल अमाउंट के लिए हेडिंग में क्या बताया हूँ कि जो हमारा ईएमआई निकला है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। हर मंथ मुझे कितना इंस्टॉलमेंट देना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुका हूँ। बस मुझे पता करना है कि पहले मंथ में कितना प्रिंसिपल दे रहा हूँ और कितना इंटरेस्ट दे रहा हूँ और टोटल अमाउंट हमारा कितना आना चाहिए, इस ईएमआई के बराबर हमारा टोटल अमाउंट आना चाहिए। क्योंकि पहले मंथ में भी मैं इतना ही पैसा दूंगा, दूसरे मंथ में भी इतना ही पैसा दूंगा और तीसरे मंथ में भी इतना ही पैसा दूंगा, मेरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल घटता बढ़ता रहेगा। लेकिन जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो हमारा टोटल अमाउंट किसके बराबर होना चाहिए, इस ईएमआई के बराबर होना चाहिए। तो आइए, मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मुझे क्या करना है, मैंने अप्लाई किया एक फॉर्मूले का, इक्वल टू किया, प्रिंसिपल निकालना है तो पी और पी एम टी, और मैंने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन किया। ब्रैकेट को जैसे मैंने ओपन किया, अब देखिए पहला ऑप्शन पूछ रहा है रेट। मैं पिछले क्लास में बताया हूँ आप लोग को, रेट में हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, रेट में हम लोग इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें देखो पीपीएमटी और आईपीएमटी में क्या फर्क होता है, पीएमटी पूरा इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट हमारा निकाल देता है, लेकिन प्रिंसिपल पीपीएमटी हमारा केवल प्रिंसिपल निकालना होता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम उस वैल्यू को फिक्स करते हैं जो मैंने यहाँ पे निकाला है। तो क्या करना पड़ेगा, रेट में सब लोग जानते हैं हम लोग इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं, तो रेट में मैंने इंटरेस्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा। तो उस वैल्यू को फिक्स करने के लिए हम ये F4 बटन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और ये F4 बटन दबा दिया। देखिए जैसे मैंने ये F4 बटन दबाया, ये हमारा वैल्यू फिक्स कर दिया, मतलब सी को भी फिक्स कर दिया। और यहाँ पे देखिए, जिस कॉलम में, जिस रो में इस डाटा को सिलेक्ट किया गया था, उस कॉलम, उस रो को इसने सिलेक्ट कर दिया और मुझे क्या करना है, कामा लगा देना है। फिर से पूछ रहा है पी यार, मतलब पर मंथ का मुझे निकालना है, पहले मंथ का पता करना है, उसके बाद से दूसरे मंथ का पता करना है। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद से मैंने कामा लगाया। उसके बाद से पूछ रहा है नंबर ऑफ पीरियड,
मतलब नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है कितने मंथ के लिए आपने निकाला था, तो मैंने कितने मंथ के लिए निकाला था, तो 60 मंथ के लिए निकाला था। तो 60 मंथ को जो हमारा यह डाटा बना है उसे मुझे सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर से इस मंथ को भी मुझे क्या करना होता है, फिक्स करना होता है यह फोर बटन दबा के। फिर से मैंने क्या किया, कामा कर दिया। फिर से पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, तो मैं बता चुका हूँ प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, तो लोन अमाउंट, तो मैंने लोन अमाउंट को सिलेक्ट किया। फिर से कामा किया और यहाँ पे कह रहा है यह भी मतलब फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑप्शनल है, मुझे फ्यूचर वैल्यू में कुछ नहीं देना या कुछ निकालना है मुझे, फ्यूचर वैल्यू मैंने छोड़ दिया। मैं टाइप पे बताया था मंथ के स्टार्ट से निकालना है या मंथ के एंड से निकालना है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टार्ट से निकाला हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वन टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद से क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को बंद करना पड़ेगा और इंटर बटन दबा देना होगा। देखिए जैसे मैंने इंटर बटन दबाया वैसे क्या हुआ, यह हमारा वैल्यू निकल के आ गया। क्या वैल्यू निकल के आ गया, जैसे हमारा क्या बता रहा है यहाँ पे प्रिंसिपल इतना पैसा बता रहा है हमारा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2000 यहाँ पे 245 रुपया कुछ पैसा हमारा यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ पे देखिए कितना आया है, तो हमारा 3960 रुपया आया है। तो यहाँ पे किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है मैंने, इसको सबसे पहले देख लें। तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे रेट में इंटरेस्ट डिवाइड बाई किया है, कामा किया है, नंबर ऑफ पीरियड में मैंने नंबर ऑफ पीरियड को सिलेक्ट किया है। फिर से मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू को सिलेक्ट किया है, कामा किया है और वन किया है और ब्रैकेट को बंद किया है। यहाँ पे देखिए मैंने पीएमटी फॉर्मूले का प्रयोग किया और उसके बाद से देखिए इसमें मैंने क्या गलती किया है। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, रेट में तो मैं बता चुका हूँ रेट में क्या करना होता है, मुझे इसे डिवाइड बाई इंटरेस्ट सिलेक्ट करने के बाद से मुझे डिवाइड बाई यहाँ पे 12 करना होगा। जैसे मैंने 12 कर दिया और मैंने क्या कर दिया, इंटर बटन दबाया, अब देखिए हमारा रिजल्ट सही आ गया। क्यों क्यों हमारा गलत आ रहा था, क्योंकि सब लोग जानते हैं वन ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, तो 12 मंथ होते हैं। मैंने क्या कर दिया, इसको सेलेक्ट किया था, मुझे बताना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, तभी तो हमारा पांच वर्ष का हमारा निकलेगा पूरा का पूरा डाटा। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यह रूल है कि डिवाइड बाई 12 करना होगा। अगर डिवाइड बाई 12 करते हैं तो आपका रिजल्ट सही आएगा, अगर नहीं करते हैं तो हमारा रिजल्ट रॉन्ग आएगा। मैंने इंटर कर दिया, देखिए अब हमारा रिजल्ट क्या आया, 2793 रुपया कुछ पैसा। फिर से मैंने इंटरेस्ट निकालना है तो वही प्रक्रिया, इक्वल टू आई पी एम टी और ब्रैकेट को ओपन कर देना है। देखिए जैसे मैंने इसको निकाला है सेम टू सेम वैसे ही निकालना है, बस उसमें पीपीएमटी लगाया था और यहाँ पे आईपीएमटी लगाएंगे। रेट तो रेट में फिर से इंटरेस्ट या फोर्स बटन से फिक्स कर देना है, डिवाइड बाई 12 कर देना है, फिर से कामा और यहाँ पे देखिए प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे भी पूछ रहा है और यहाँ पे पूछ रहा है पर, मतलब पर मंथ का निकालना है, तो मैंने पर मंथ को सिलेक्ट किया और कामा कर दिया। फिर से नंबर ऑफ पीरियड कितने मंथ के लिए, मुझे 60 मंथ के लिए निकालना है, तो मैंने 60 ले लिया और मैंने यहाँ पे यह फोर बटन से फिक्स किया और कामा कर दिया। फिर से पूछ रहा है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आपका क्या है, मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यहाँ पे यह लोन अमाउंट है, मैंने क्या किया उस लोन अमाउंट को सेलेक्ट करते हैं और फिर से यह फोर बटन दबा के फिक्स करते हैं और कामा करते हैं और वन करते हैं और फिर से ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और इंटर बटन दबा देते हैं। देखिए जैसे मैंने इंटर बटन दबाया वैसे हमारा क्या हुआ, यह रिजल्ट निकल गया, मतलब अब यह हमारा प्रिंसिपल निकला और यह इंटरेस्ट निकला। अगर टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, ईएमआई के बराबर आना चाहिए। मैंने क्या किया, इक्वल टू और उसके बाद से इतना
प्लस और इतना और इंटर बटन दबाया। देखिए जैसे मैंने इंटर बटन दबाया, देखिए हमारा रिजल्ट क्या आया, 3,960.25। और यहाँ भी 3,960.25। मतलब क्या हुआ, जो हमने निकाला है वो रिजल्ट हमारा सही दिखा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पता करना चाहते हैं, प्रिंसिपल पता करना चाहते हैं तो हम पीपीएमटी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो आईपीएमटी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और दोनों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट निकलेगा वह किसके बराबर, तो हमारे ईएमआई के बराबर। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे वैल्यू को ऐड करना है तो हम वैल्यू को ऐड करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब देखिए पहले मंथ का निकला, ऐसे सबको सेलेक्ट कर देना है और इस डॉलर को हटा देना है, मैंने इसको हटा दिया। और ऐसे हम जैसे ड्रैग करते हैं, देखिए हमारा रिजल्ट निकल गया। मतलब पहले मंथ में इतना पैसा दूंगा, इंटरेस्ट इतना दूंगा और टोटल अमाउंट इतना। दूसरे मंथ में इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल देखिए बढ़ रहा है और यहाँ हमारा इंटरेस्ट घट रहा है, और ऐसे हमारा यह टोटल अमाउंट इतना आएगा। क्योंकि जो हमारा 2,00,000 रुपया है उसमें से पहले मंथ में कुछ दूंगा तो हमारा क्या है, पहले मंथ में 2,00,000 का दूंगा तो इतना इंटरेस्ट। फिर से क्या हुआ, अब 2,00,000 में मैंने कुछ रुपया यहाँ पे दे दिया तो हमारा इंटरेस्ट घटेगा ना, तो वही हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे अब घटता जाएगा और यह उसी हिसाब से हमारा यह बढ़ता जाएगा। लेकिन टोटल हमारा किसके बराबर आएगा, इस ईएमआई के बराबर आएगा। तो हमने क्या सीखा, कैसे पीपीएमटी और आईपीएमटी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से नेक्स्ट डे बताऊंगा इसी ईएमआई पे कैसे गोल्सिंग का प्रयोग किया जाता है।